नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ देश और स्थानीय जनपद सहारनपुर की कोरोना अपडेट के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। देश में कोरोना की रफ्तार थमती नहीं दिख रही है। लगातार 9वें दिन देश में कोरोना के 3 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में वायरस के 3,86,452 मामले सामने आए और 3,498 लोगों की मौत हुई। ये 9वां दिन है जब कोरोना के मामले 3 लाख से अधिक पहुंचे और आंकड़ा 4 लाख के करीब पहुंच गया। इसी के साथ देश में संक्रमण की दर भी 21.2% पहुंच गई है। इसका मतलब है हर 100 लोग जो टेस्ट करवा रहे हैं उनमें से 21 लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। 6 अप्रैल से रोजाना 1 लाख से अधिक मामले सामने आने लगे थे और 24 दिन बाद 4 लाख के करीब आंकड़े पहुंच गए। इसी के साथ चिंताजनक बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से मौत का आंकड़ा 3,000 के ऊपर बना हुआ है। 13 अप्रैल के बाद से मौत के आंकड़े बढ़ने शुरू हुए थे। अगर बात करें सहारनपुर की तो सहारनपुर में भी कोरोना का कहर रुक नहीं रहा है। हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आज सहारनपुर में सर्वाधिक आंकड़ा 647 नए संक्रमित मरीज मिले, जिसके बाद यह आंकड़ा बढ़कर सहारनपुर में 17,098 पहुंच गया। हालांकि आज मिले सभी संक्रमित मरीज 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के शामिल हैं, जबकि राहत की बात ये रही कि 204 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। अब सहारनपुर में एक्टिव केस की संख्या 4,094 है, जिनका इलाज अभी भी जारी है। वहीं बात करें मौत के आंकड़े की तो सहारनपुर में हर रोज मौत के आंकड़े अपनी वृद्धि का रिकॉर्ड दर्ज कर रहे हैं। आज अलग अलग शमशान घाटों से मिली जानकारी के मुताबिक सहारनपुर में कोरोना से 21 मौतें हुई, जिनमें से 4 का अंतिम संस्कार नुमाइश कैंप के शमशान घाट में किया गया। वहीं 3 का अंतिम संस्कार हकीकत नगर स्थित शमशान घाट में किया गया। सबसे ज्यादा अंतिम संस्कार अंबाला रोड स्थित 14 मौतें हुई थी, जिनका अंतिम संस्कार अंबाला रोड स्थित शमशान घाट में किया गया। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सहारनपुर में मिलने वाले संक्रमितों से ज्यादा मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो कि काफी चिंताजनक है। इसीलिए सावधान हो जाइए। किसी ने बहुत सही बात कही है, कफन से छोटा मास्क है, इसीलिए पहन लीजिए। सिटी वेब सभी जनपदवासियों से लगातार अपील कर रहा है, कोरोना से बचाव हेतु सभी सावधानियां बरते। सार्वजनिक स्थानों पर 2 गज की दूरी के पालन के साथ साथ मास्क का प्रयोग जरूर करें। आज का अपडेट आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये महत्वपूर्ण सूचना अपने व्हाट्सएप नंबर पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी के लिए इतना, एक बार फिर हाजिर होंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें।